Thank you.
बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीड्यति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मंच पर उपस्थित चिरंजी हरिराय जी महोदय, व्यासासन पर विराजमान गोवर्धनेश जी महोदय, श्रीमद् भागवत सप्ताह के मनोरथी परिवार नीरज जी एवं श्रीमद् भागवत का मूल पारायण कर रहे हैं ऐसे विद्वत वृंद और दूर दूर से आए हुए हमारे परमात्मीय वैष्णव वृंद, इस परम पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अवसर पर एवं
प्रभु चरण श्री विठल नाथ जी की पंचशताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे पितृचरण और तातचरण के आशीर्वाद से, हमारे श्री गोपाल प्रभु के प्रमेय बल से इस अधिक मास के अंदर हमारे श्री हरराय महाप्रभु जी के सेवे स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी के विविध मनोरथ करें और साथ साथ श्रीमद् भागवत और सुबोधिनी जी उसका श्रवण करें। श्रीमद् भागवत जी में कहा है, ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितम् स्मरयन्ति स्मारयन्ति हरे नाम कलव युगे। इस कलयुग के अंदर जो हरि का नाम लेता है, लिवाता है और श्रवण करता है, वह सभी व्यक्ति सभी जीव भाग्यशाली हैं। आज इस मथुरा नगरी में यमुना जी के तट पर और ये भगवत गुणगान श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चरणजी गोवर्धनेश जी कई सालों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते आए हैं देश में और विदेशों में। कथाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन एक वल्लभ वंश आचार्य के मुखारविंद से, और वह भी सुबोधिनी जी के भाव प्रकाश के अनुसार कथा श्रवण करने का ये परम सौभाग्य लाभ आज अपन सबको मिलने जा रहा है। मैं इस अवसर पर इस कथा की शुभकामना व नीरज जी को और गोवर्धनेश जी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार से आप के हृदय के अंदर विविध मनोरथ प्रकट होते रहें और प्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की कृपा से आपके मनोरथ पूरे हों। यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। Thank you.
चरण गतम प्रगटितम। मंदार माला
उदार हासान्य लसन्मुखा